तो so, थ्राम्बोसाइटोपलिया के रीज़न्स क्या होते हैं जो सबसे कॉमन रीज़न होता है वो है इन्फेक्शन जैसे आपने सुना होगा कि डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं ये सबसे कॉमन इन्फेक्शन है इंडिया में सबको मालूम है कि डेंगू से इन्फेक्शन होता है तो प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं ऐसे ही बहुत सारे और वायरसेस हैं हमारे पास हमारे पूरे आसपास में बहुत सारे ऐसे वायरस हैं जो आपको प्लेटलेट्स को कम कर सकते हैं तो कॉमन कॉज सबसे इन्फेक्शन होता है इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिससे आपके प्लेटलेट्स कम होते हैं कुछ केसेस में ब्लड कैंसर ऐसे प्रेजेंट करता है जब आपके प्लेटलेट्स बनने बंद हो जाते हैं आपके बोन मारो में तो थ्रोम्बोसाइटोपीनिया एक ब्लड कैंसर का भी साइन हो सकता है तो इसलिए कभी भी आपको अपना प्लेटलेट काउंट अगर एक लाख से कम मिल रहा है तो इग्नोर नहीं करना है और डॉक्टर से मिलना है और उसका कारण जानने की कोशिश करना है